यहाँ से लाइन स्टार्ट है दर्शन, आप देख सकते कितना लंबा रूट है, लोग कितने आके लग रहे हैं लाइन में। सो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ेगा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। कल आधे टाइम मेरा फेस बड़ा गंदा था क्योंकि मेरी ऑक्सीजन लेवल मेरी बॉडी की कम हो गई थी, सभी की हो गई थी यहाँ पर, बट आज थोड़ी फ्रेशनेस से चेहरे पे क्योंकि आशीर्वाद मिल गए बाबा के। व्यू एंजॉय करते हुए अब हम आपको वापस जाने का अपना वीडियो दिखाएंगे। हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर वापस उतरेंगे। तो जैसा कि आगे अगर आप वो लोगे टेंट वगैरह तो बहुत हाई रेट है, थोड़े से दूर है, 1.5 किलोमीटर पर होगा ये टेंट यहाँ पर सामने, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ ये टेंट है। और ये काफ़ी बड़े टेंट है, जो हमारा टेंट है उससे तो काफ़ी बड़ा है, 10 बंदे आ सकते हैं टेंट में और 500 रुपीज़ है, जस्ट हाफ रेट है। अगर आप 1.5 किलोमीटर पहले भी यहाँ पर टेंट लेते हैं, आपका नाम भाई एक बार और बता देना, सुनील तिवारी जी है, अगर यहाँ पर आकर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे टेंट में। सो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पराठा आ गया एंड जैसा कि अंकल ने प्रॉमिस करा था, अंदर आप मसाला देख सकते हैं, ऐसा मिलेगा नहीं आपको, बहुत अच्छा पराठा लग रहा है हमें। सो फटाफट खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। तो मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा कपूर सूंघते हुए और उन लोगों से बात भी करी मैंने, तो पता लगा कि वो हेल्प करता है ऑक्सीजन लेवल को। वैसे मैंने इसको पर्सनली चेक नहीं कराया, अगर आप आ रहे हो तो ये ज़रूर चेक कर लेना अगर ये हेल्प करता है ऑक्सीजन लेवल में, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल रियलिटी में बहुत कम है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ये थोड़ी सी हेल्प करे आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े जो मैंने फेस करी थी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो भी प्लान कर रहे हैं केदारनाथ आने की, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनको हेल्प करे। और आप भी थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लेना, मैं भी नीचे जाकर रिसर्च करूँगा इसके बारे में, और ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करिए केदारनाथ आने के लिए। जय भोले बाबा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।